7 महीने का बच्चा था, पोस्टमार्टम में करवाया, अब 7 महीने का लड़का था। मारी गई है मेरी बहन, मरी नहीं है, मरने वालों में से नहीं थी, मारी गई है बहुत बुरी तरह से, पहले बहुत तड़फाया फिर मार दिया उसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप इस समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो खबरें आप देखते रहते हैं। मैं फिलहाल मौजूद हूँ कोहंड गांव में। कोहंड गांव जो है करनाल जिले में पड़ता है। ये फिलहाल जो है मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि अभी जो 17 अगस्त जो गई है, वहाँ पे डिडवाड़ा गांव है कोई सफीदों के पास, डिडवाड़ा गांव में एक घटना घटती है। एक लड़की जिसका नाम नेहा था, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, वो हत्या या आत्महत्या, उसके बारे में जो है हम मतलब जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। उसके मायके में उसकी शादी जो है डिडवाड़ा गांव में हो रखी थी, वहीं पे जो उसके ससुराल में ही जो है उसकी मृत्यु होती है। और फिलहाल जो है हम कोंड में जो उसका जो मायका है वहाँ पे जो है फिलहाल हम मौजूद हैं, और हमारे साथ जो हरियाणा 1008 पे उसकी जो है छोटी बहन, नेहा की छोटी बहन है नैन्सी, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। हम उनसे जानने की एक बार कोशिश करेंगे कि भाई क्या कुछ ये मामला था। आप देखते रहिए हरियाणा 1008 पे। गुड़िया, राम राम। राम राम। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो आपकी जो बड़ी बहन थी जो नेहा, उसकी शादी कब और किसके साथ हुई थी? मेरी बहन की शादी 7 अप्रैल 2021 में हुई थी अमित के साथ। अमित डिडवाड़ा गांव का? हाँ, डिडवाड़ा गांव से अमित। क्या करता है? कपड़ा बेचता है फिलहाल तो। अच्छा। जब हमने रिश्ता किया, जब वो बोल रहे थे कि वकील का कोर्स कर रहा है और पढ़ा लिखा है सही, फिर बाद में पता लगा कि वो 10वीं पास है, बस कुछ नहीं करता, कपड़ा बेचता है बस। अभी पता लगा था, बस 2 महीने हुए उसको, पता लगा कि 10वीं पास है, कुछ नहीं करता, कोरस कोरस। और जब मेरी बहन की शादी हुई तो वो 12वीं कर रही थी, जब रिश्ता हुआ तो उन्होंने बोला कि हम आपकी लड़की को पढ़ाएंगे। मेरी मम्मी ने ऑनलाइन फार्म भरवा दिया उसके आगे 12वीं के बाद, जब तो उन्होंने बोल दिया उसकी, मेरी बहन की एक कुंवारी ननद है, उसका भी नाम नेहा है, वो भी उस टाइम कॉलेज कर रही थी, तो बोल ले वो कि साथ ये भी साथ में चली जा करेगी तो कॉलेज करवाएंगे। मम्मी ने एडमिशन करवा दिया, पेपर देने के टाइम आए तो वो नाट गए कि हम नहीं पढ़ाते, हम बाहर नहीं भेजते बस। और एक बात और भी जो सुनने को जो मिली है कि जिस टाइम पे जो उसकी जो मृत्यु हुई है वो मतलब गर्भवती भी बताई जा रही है, वो प्रेग्नेंट थी, तो कितने महीने का जो बच्चा था? 7 महीने का बच्चा था, पोस्टमार्टम में करवाया, अब 7 महीने का लड़का था। अच्छा, लड़का था। हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ मामला हुआ जैसे शादी के बाद, मतलब जो है अब जो मतलब पहले तो यही बताओ कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि वो हत्या है या आत्महत्या है? मारी गई है मेरी बहन, मरी नहीं है, मरने वालों में से नहीं थी, मारी गई है बहुत बुरी तरह से, पहले बहुत तड़फाया फिर मार दिया उसको। अच्छा, शादी के बाद जो है उसके जो ससुराल वाले थे, जो आपके जीजा जी हैं या और भी जो है परिवार वाले थे, कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार तो सही था उनका, जिस हिसाब से मेरी बहन बताती थी सही है, जब भी बात करते थे यहाँ भी आते थे सही था। बीच में एक बार लड़ाई हो गई थी ऐसे ही करवे के पास, तो उसके ससुर जी आए थे यहाँ मेरी बहन के, तो वो मम्मी से बोल के गए थे कि एक महेंद्र नाम का उनका भाई है सुंदर का, जो उन्होंने मेरी बहन की जिम्मेदारी ली थी कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ जो इसको कुछ हो गया तो। और फिर उसके ससुर जी आए थे मम्मी के पैरों में, उन्होंने अपना परना उतार के रख दिया, बोले कि चाहे तो इसे लांग दो और वरना तो देख लो अपने अपने लड़की को भेज दो। तो मम्मी पापा तो यही चाहेंगे कि घर बस जे लड़की का, तो वो उन्होंने मम्मी ने भेज दी, वो सही रखने लगे। फिर अब हम नेहा एक डायरी लिख के गई थी, तो मेरे को मैं उस डायरी में ऐसे ही गाने जीके के क्वेश्चन सारी लिखती हूँ, उसमें लिख के गई थी वो अपनी डायरी। जब मैं स्कूल मैं 12वीं क्लास में हूँ, जब मैं स्कूल में चली जाती थी जब लिखती थी वो डायरी, तो जब वो गई ना रक्षाबंधन को, तो मेरे को बोल के गई थी कि नैन्सी एक बार डायरी पढ़ लिए, तो मैंने इतनी गौर नहीं करी कि पढ़ लूँगी डायरी में क्या है, जो मैं लिखूँ वही उसने लिखे होगा, तो मैंने पढ़ी नहीं वह डायरी। तो जिस दिन मेरी बहन की डेथ हुई उस दिन, तो मेरे मामा मामी हैं यहीं से, तो उन्होंने पूछा कि तेरे तू तो उसकी बहन थी, तेरे को कुछ बताया नहीं आज तक? और फिर याद आया मुझे कि नेहा ये बोल के गई थी डायरी लिख ली। फिर मैंने वो घर ढूंढी, घर भी नहीं मिली, हमारी कपड़े की शॉप है यहीं कोंड में ही, मैंने वहाँ ढूंढी, वो कपड़ों में मिली, फिर देखा उस डायरी में ये पढ़ी हमने,
फिर सब कुछ लिख रखा था कि मेरे जी कैसे मारते थे उसको, दे के ऊपर कैसे कैसे ताने देते थे, उसकी सास ननद और अमित बहुत मारता था उसको। क्या क्या कुछ लिखा हुआ था उसमें? उस डायरी में लिख रखा था कि अब हमने कोथली भेजी थी अपनी बहन की, 7 किलो घेवर था जिसमें 2 दर्जन केड़े थे, उसकी सास ने और उसकी ननद ने ना वो सारा घेवर बगड़ में फेंक दिया। उसकी ननद बोली कि इतना घेवर नहीं है हमारे यहाँ, तो 11-11 किलो घेवर आता है, हमने हम और पड़ोस में बांटना पड़ता है। बोली उसकी ननद की बढ़िया घेवर देने में तो पैसे लगते हैं, और जो भी मेरी बहन यहाँ से सूट सांट लेके जाती थी तो ताने देते थे उसके बटेऊ भी, की कहते थे कि ना जैसे तू सूट लेके आती है ना उतने तो कोई 10 रुपए में भी नहीं उठता, ऐसे ऐसे ताने मारते थे उसको बहुत। तो ये बातें जो उसने डायरी में लिखी, तो मतलब पहले कभी परिवार में उसने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से ताने देते? कुछ नहीं बताती थी। अब हमने डायरी पढ़ी तो उसमें लिख रखा था, मम्मी आपको मैं इसलिए नहीं बताती थी ये सारी बात क्योंकि आप टेंशन ना लो, पहले बहुत टेंशन है गरीब परिवार के हम, तो ये सारी बात कह रखी है उसने, जो पहले बताती तो हम बचा ही नहीं लेते उसको। अच्छा अच्छा, अब जो है ये जो घटना हुई है अभी 17 तारीख को जो बता रहे हो, 17 तारीख को जो घटना हुई है, मतलब हत्या है या आत्महत्या है? देखो हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, वो तो आप ही बताएं, जो भी आप जो आपको भी जो लग रहा है आप वो प्रॉपर तरीके से आप बताएं कि आप मतलब क्या कुछ लग रहा है आपने। वैसे तो आपने बता ही दिया कि भाई आपका जो अंदाज़ा है परिवार वालों का कि भाई वो मारी गई है जी, तो मतलब और भी कुछ सामने आया है जैसे मतलब इस घटना से पहले उनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या परिवार के सामने कोई इस तरह की कोई बात आई थी पहले? 4 तारीख को मेरे पापा उसको लेके आए थे, अमित ने बोला था 11 तारीख तक ले जो, रक्षाबंधन तक बोल दिया। फोन पे बात होती थी मेरी बहन की और अमित की, तो उस यहाँ आ गई वो, फिर उसने बोला 16 तारीख को लेने आऊंगा, 4 दिन हो रहा है ले जाई जुई, तो बोल दिया उसने, वो बिना बताए यहाँ आ गया 11 तारीख को एकदम। मम्मी और के पास फोन किया कि आ रहा हूँ मैं लेने, तो मम्मी और ने बोला था 16 तारीख को लेने आऊँगा, बोला कि मम्मी ज़्यादा ही सीरियस हो रही है इसलिए जरूरत है, अब नहीं काम आएगी फिर कब काम आएगी, ठीक है मम्मी और ने बोल दिया आ जा। तो यहाँ पे बहुत झगड़ा हुआ उनका 1 बजे रात के, अमित ने बोला मैं तो अभी लेके जाऊँगा रात को ही, क्या मतलब था उसका रात को ले जाने का, तो बहुत लड़ाई हुई यहाँ। मेरी बहन रोन लगी कि मम्मी मैं नहीं जाती यहाँ से, मैं तो यहीं रहूँगी, मैं नहीं जाती डिडवाड़ा में अब कभी भी। तो मम्मी और ने पूछा क्यों नहीं जाती, तो मम्मी वो बस यही बात कह रही थी मैं नहीं जाती, बस जो जाऊँगी तो वहाँ मर जूँगी मैं, वो बोल रही थी। फिर भी अमित ने बोला कि भेज दो, और फिर उसने भी यही किया कि अपना परना उतार के रख दिया, मम्मी जी भेज दो मैं लिख कर जाऊँ कि ना आपकी बेटी को सही रखूँगा। तो मम्मी ने किसी पर यकीन नहीं किया, मम्मी बोल रही थी मैं नहीं भेजती अपनी लड़की को, तो पापा बोले हम क्या करेंगे जब शादी कर दी अब तो अगले घर में जाएगी, और अमित भी बोले कि अब तो इसके उस घर में से ही पूरे पटेंगे, यहाँ किस कद तक रख लोगे। तो मम्मी फिर भी नाटकी कि मैं नहीं भेजूंगी, जब ये नाट रही है जो ये यहाँ करेगी तो भेजूंगी। तो अमित एक्टिवा की चाबी उठा के 5 बारी बोला मैं तो मरने जा रहा हूँ, कर लेना फिर अपनी लड़की का क्या करोगे। फिर भी हाथ उठ जोड़ के मम्मी को प्रोमिस करके कि कुछ नहीं होने दूंगा आपकी लड़की को सही रखूंगा, तो मम्मी और ने भेज दिया, और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी लड़की सही है खुश रहो। ये बात हुई थी 11 तारीख को, और बिना बताए आ गया वो, उसका क्या मतलब था 11 तारीख को आने का जब उसने खुद ही बोला था कि 16 तारीख को लेने आऊँगा तेरे को। अच्छा फिर वहाँ ले जाने के बाद जो है मतलब उसके कितने दिन बाद हुई घटी ये घटना? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद वो यहाँ 12 तारीख के 7 बजे चली गई थी, और 17 तारीख को ये घटना हुई, और उसके बीच में हमारे साथ कोई बात नहीं हुई नया की, बस 17 तारीख को जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन फोन आया था मेरे पास उसका। मतलब ये घटना घटने से पहले हाँ। क्या कुछ बात हुई है उस टाइम? कुछ नहीं, जैसे बस जैसे बात करते थे हर बार, ठीक है घर परिवार सब ठीक है, बस यही बात हुई थी उस दिन भी। कुछ क्या कोई आशंका लग रही थी कि भाई इस तरह की घटना होने वाली है? एक मैसेज आया था उसका 7:30 बजे कि हेलो बब्बो एक बार फोन करिए जरूर, फिर मैंने वो मैसेज देखा 8:30 बजे, तो मैंने जब भी फोन करा कि क्या दिक्कत होगी जो इसने नू लिखा जरूर फोन करिए, तो वो जब भी बात करती थी ना, एक तो उसका फोन जो दिखावे खातर दे रखा था अमित ने, अपने फोन तक पूरा कनेक्ट कर रखा था, कोई भी बात करती थी तो उसके फोन में जाता था, रिकॉर्डिंग पे लगा रखा था। जो अकेले बात करती थी फिर तो उसको पता ही लग जाता था, और जो पूरी फैमिली में सारे बैठ के स्पीकर ऑन करके बीच में फोन रख के बात करवाते थे उसकी। हाँ वो कुछ नहीं बता पाई, तो मैंने फोन किया 8:30 बजे जब मैंने मैसेज देखा,
तो मैंने फ़ोन किया तो ऐसे ही बस ठीक है वो ना सब कुछ जैसे डेली बात करती थी जब भी सही बताया उसने परिवार पूर्व के बारे में बस यही बात की थी। जैसा मतलब महसूस हुआ आप लोगों को कि मतलब भाई कोई उसको किसी प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है या कोई प्रेशर है कोई इस तरह की घटना की जो को देखो ये छोटी घटना नहीं है बहुत बड़ी घटना है। कई बार जो है आशंका बातों से मतलब हो जाती है कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ है तो कुछ ऐसा महसूस हुआ? ऐसा कुछ नहीं महसूस किया कुछ नहीं कहती कैसे जब बीच में फोन रख के जब बात करवाते थे उसकी बस कुछ नहीं कहा उसने। तो फिर मतलब कैसे क्या कुछ हुआ जो आपको बाद में पता लगा होगा वो क्या कह रहे हैं मतलब कैसे डेथ हुई? पापा तो काम पे जा रहे थे उनका फोन आया 10 बजे पापा के पास कि सुबह 18 तारीख की सुबह उनका फोन आया कि आपकी लड़की को दौरा पड़ गया जो कि आज तक मेरी बहन के सिर में भी दर्द नहीं हुआ था दौरा एकदम और दौरा पड़ने से मौत नहीं होती कभी भी दौरा पड़ गया तो पापा आए काम से चले गए। मम्मी बोली मैं भी चलूंगी मैं भी देख लूंगी क्या हो रहा फिर मम्मी बोली यहाँ एक बुआ रहती है वो भी बोली चलो तीनों चलते हैं देख लें क्या हो कभी ज़्यादा सीरियस हो रही है। उन्होंने फिर भी ये नहीं बताया कि डेथ होगी फिर भी यही बताया कि दौरा पड़ गया यहाँ एक उसकी बुआ रहती है उनके लड़के ले गए कि आपकी लड़की को दौरा पड़ गया चले गए पापा और वहाँ जाके देखा एक बुआ जा रही थी साथ में तो उन्होंने बोला कि दौरा ही तो पड़ा है क्या करोगे इसका बस दो ही जने आ जियो तो पापा मम्मी और बुआ चले गए। फिर भी वहाँ जाके देखा तो उस एक कमरे में मेरी बहन थी और एक कमरे में उनकी फैमिली थी पूरी मेरी बहन ऐसे ही मरी पड़ी थी बेड पे और एक कमरे में जो थे ना उसकी बुआ जी तो अमित की सोन लग रही थी उसकी सास हौका पीन लग रही थी सारे बैठे कमरे में तो मम्मी गई देखा ऐसे लग रही थी वो सोन लग रही ऐसे नहीं लग रहा था डेथ हो रही तो मम्मी ने वो पलट कर देखी तो मेरी बहन मरी पड़ी थी तो मम्मी ने आवाज़ लगाई कि तेरी लड़की तो ख़त्म होगी जल्दी ऊपर आ जा नीचे तो पापा आदमी उन्हें पकड़ लिया मम्मी ऊपर पकड़ ली किसी नान नहीं दिए उसके पास तो वो बोले अब तो ये ख़त्म होगी अब तो इसका अंतिम संस्कार कर दो। जब पापा मम्मी गए अर्थी उर्थी सब कुछ तैयार कर रखी थी उन्होंने सब कुछ कति ए टू जेड बस मम्मी पापा का वेट था जब वो आए अंतिम संस्कार कर दें तो मम्मी और मम्मी वैसे ही पागल होगी उनकी लड़की मर गई है और पापा भी नीचे ऐसे ही और कुछ उन्होंने पकड़ लिए वहाँ तो फिर भी फिर पापा ने मासी के फोन मामा के पास फ़ोन कर दिया तो आधे घंटे में मासी मामा मामी वहाँ पहुँच गए तो मम्मी उसका मुंह उगाड़ के देखने लगी तो उसकी गर्दन पे निशान था नेहा की तो मम्मी ने फिर हाथ हूथ उगाड़ के देखे सारे निशान थे उसका तो मम्मी बोली कि मरी नहीं है मेरी बेटी मारी गई है। फिर मामा और आगे सारे आगे फिर पुलिस के पास फ़ोन कर दिया जब फिर भी सारे बोले कि अब क्या करोगे अब तो मट्टी होगी अब तो फूंक दो इसे तो मम्मी तो कहने लगी नहीं फूकने नहीं देंगे तो मम्मी और ने बोला हम तो पोस्टमार्टम करवाएंगे चाहे इसने फांसी ली हो या चाहे मारी गई हो उसमें सब कुछ पता लग जाएगा तो उन्होंने बोला नहीं पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे इसका वो उसकी फैमिली वाले बोले उसके सास ससुर क्योंकि उन्होंने मार रखी थी उनको डर था सब कुछ आ जाएगा उसमें इसलिए तो फिर भी मामा और आगे मामा और ने कर लिया हैंडल सब कुछ। जब फिर भी वो ये बोले कि नहीं पोस्टमार्टम नहीं होगा इसका अंतिम संस्कार कर दो तो अमित ने उसका जाड़ का लत्ता हुआ जो वो डक्का है जल का छिटा घेर दिया। जब उन्होंने यह पता लग गया ना कि इन्होंने पुलिस बुला ली तो अमित वहीं तक गायब हो गया एकदम जब ही उन्होंने गायब कर दिया हाथ की आत ही तो फिर अल्ले फिर सारे चले गए फिर पुलिस पालिस आ गई फिर जो भी होया वहाँ। अच्छा जब उनको मतलब वो उनका मतलब यही कहना था कि भाई दौरे के कारण जो है इसकी मौत हुई है और रास्ते में भी पापा ने फोन किया जब भी नहीं उन्होंने बताया कि इसकी मौत होगी फिर भी यही बोला कि दौरा पड़ रहा है। अच्छा फिर उसकी जो पोस्टमार्टम हुआ फिर उसका बाद हाँ, पोस्टमार्टम करवाया उसका क्या कुछ तो रिपोर्ट नहीं आई अब तक अभी तक रिपोर्ट नहीं हाँ। आई है। अच्छा तो उसका अंतिम संस्कार फिर कहाँ किया? यही कोंड में किया उसका अंतिम मायके में हाँ उसके मायके में उसके अंतिम संस्कार पे भी कोई नहीं आया कोई नहीं आया वो उस दिन के ही फरार हो रहे वहाँ से पूरा परिवार उनकी एक उनकी फैमिली पूरी एक यहाँ उसकी अमित की बुआ रहती थी उसमें उसका हाथ है क्योंकि अमित की बुआ ना कभी भी डिडवाड़े में नहीं जाती थी और जब मेरी बहन की डेथ हुई तो 3 दिन हो लिए वो वहाँ थी जब उसकी मौत हुई तो तब भी वहीं थी वो और जो उसका हाथ नहीं होता तो वो यहाँ आती तो वो कोंडे में भी नहीं है यहाँ से फरार हुई हुई है और उनकी फैमिली भी और जो अमित के ताऊ जी है उनका भी पूरा परिवार है इसमें 3 फैमिलियों के हाथ हैं जी बिल्कुल। तो इसमें मतलब गिरफ्तारी तो देखो किसी की हुई नहीं जब कोई सब फरार ही हैं तो कोई अरेस्ट तो अमित हो गया है एक अरेस्ट हुए हैं कौन कौन हुए कल तो उसका अमित का पापा हुआ है और 2-3 दिन हो लिया अमित हो रहा। अच्छा
अच्छा, दो जने हो गए अब तक, दो इसमें अरेस्ट हुए हैं अभी तक। तो देखिए जो है पूरी घटना जो है आप लोगों ने जो सुनी है, जो नेहा की जो बहन है, छोटी बहन है नैन्सी, उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा मामला बताया है। तो इसमें देखिए गुड़िया, मतलब आप भी समझदार हो, हर बातों को प्रॉपर तरीके से आप समझ रहे हो, तो प्रशासन से आप क्या अपील करना चाहते हैं अपनी बहन को जो है इंसाफ दिलाने के लिए? इंसाफ चाहिए हमें अपनी बहन के खिलाफ। आज मेरी बहन के साथ हुआ है, और विदेश में लड़कियां, खुद मैं ही हूँ इस घर में, कल मेरी भी शादी होएगी तो मेरे को भी ऐसे मार दिया जाएगा, जो मेरी बहन के, मेरी बहन को इंसाफ नहीं मिला तो। हमें तो बस इंसाफ चाहिए अपने बहन के खिलाफ, उम्र कैद दे दो उनको, पूरी फैमिली को और उनके परिवार को, जिन जिन का हाथ है बस। और अमित को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, बस इंसाफ चाहिए हमें बस। बिल्कुल भाई, देखिए जो है उसकी जो छोटी बहन है नेहा की, वो भी जो है प्रशासन से इंसाफ की जो है अपील कर रही है, मांग कर रही है कि भाई इस मामले में जो भी दोषी है, देखिए हम भी हरियाणा एग्जराट के माध्यम से ये अपील करते हैं, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, ये हमारे समाज में मतलब ये इस तरह की घटनाएँ हैं जो रोज़ाना जो है बढ़ती जा रही हैं, और जो इस तरह के जो जो भी इस मामले में दोषी हो, जो भी दोषी हो उसके उसके एक बार इस मामले की पूरी छानबीन करके और जल्द से जल्द जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि और भी जो है बहन बेटियां हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो मतलब अपने आप को समाज में, मतलब परिवार में, अपने ससुराल में, जहां भी वो मतलब असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो सबको ये लगे कि भाई हमारी जो देश की जो न्याय प्रणाली है, जो कानून व्यवस्था है, वो मतलब भाई सबके लिए बराबर है। यही हमारी जो है अपील है भाई, जल्द से जल्द इस मामले की छानबीन करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और निर्दोष मतलब कोई भी किसी भी मामले में ना फंसे, इस बात का भी जो है विशेष जो है अगर ध्यान रखा जाए जो भाई हमारा जो प्रशासन है उसकी तरफ से। बाकी भाई दोषियों को भाई बख्शा नहीं जाना चाहिए, यही हमारी भी अपील है, पूरे समाज की अपील है, और पूरे देश की बहन बेटियों की अपील है, छोटी बहन है जो उसकी भी अपील है, उसकी नहीं आगे जो छोटी बहन है, पूरे परिवार की भी यही अपील है, यही मांग है, पूरा देश यही चाहता है कि भाई दोषी मतलब बचने नहीं चाहिए। तो भाई आप देखते रहिए हरियाणा 1008, इस मामले से जुड़ी हुई जो और भी जो जो बातें हैं, परिवार के जो और भी जो सदस्य हैं वो भी जो है मीडिया पे जो है बारी बारी से जो आ रहे हैं, हम भी हरियाणा 1008 पे जो है बहुत जल्द जो है इनके परिवार के किसी और सदस्य से, इनकी मम्मी से, इनके पापा से आप लोगों को जो है रूबरू करवाएँगे, उनकी भी बात जो है एक बार आपके सामने ज़रूर रखवाएँगे, भाई वो क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या लग रहा है, और क्या वो प्रशासन से अपील करना चाहते हैं। तो आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 पे, तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाजत। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार, जय हिंद जय हरियाणा।